नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कोले, एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोले टेलीविजन। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा एक हायर 32 इंच का एलईडी टीवी है, इसमें फॉल्ट क्या है पहले अच्छा से देखो। इस वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ नॉलेज मिलेंगे इस वीडियो का अंदर, आप स्कीप मत करिए। ऐसा वीडियो आप यूट्यूब में अभी तक देखा नहीं, सोचिए इसका डीसी फंक्शन कैसे वर्क करेगा, मोस्टली इम्पोर्टेंट। अभी तक आपको यूट्यूब में नहीं देखा है, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के आप कमेंट करेंगे। और दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट कमिंग 23 मई जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम कंप्लीट हुआ हो गया, दो आदमी बाकी है। दो आदमी नहीं होगा तो 8 आदमी से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कभी कभी ऐसा होता है। प्रोग्राम हो रहा है 100%, ठीक है। इसको ऑन कर रहा हूं, देखिए पावर लाइट आया है ना, पावर लाइट आया है। इसको स्टैंड बाय रिलीज करूंगा, अब देखिए क्या फॉल्ट है, सिम्टम क्या है। देखिए इसको मैनुअली स्विच ऑन करना पड़ेगा, चालू हुआ, देखिए क्या सिम्टम हो रहा है आप देखो अच्छा से स्क्रीन में, देखिए क्या फॉल्ट हो रहा है। बहुत ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होगा दोस्तों, स्किप मत करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इस वीडियो का अंदर जो मैं दिखाऊंगा डीसी सेक्शन 12 वोल्ट 12 वोल्ट इनपुट होगा, उसका बाद 3.3 वोल्ट जनरेट होगा और 3.3 वोल्ट से सब कुछ वोल्टेज जनरेट करेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं मेरा वीडियो में बहुत बार बताया कुछ भी हो सकता है, आप इस वीडियो में देखेंगे। फॉल्ट देखिए क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों ऐसा काम आप खुद करना चाहता है, सीखना चाहता है, मेरा जो अपडेट प्रोग्राम है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम होता है, उसी प्रोग्राम में आप अटेंड कर सकता है और मेरा साथ जुड़ा रहना चाहता है, मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में अटेंड कर सकता है, सॉरी ऑनलाइन क्लास में आप ज्वाइन कर हो सकता है। तो दोस्तों मैं इसको बैक कवर ओपन करूंगा, पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आप एंड तक वीडियो देखिए। ओके ऑल द बेस्ट, देखते रहिए, बैक कवर ओपन करूंगा। दोस्तों वो जो हायर 32 इंच का टीवी आप देख रहा था वो पूरा बैक कवर मैं ओपन किया है। सबसे पहले इसका जो स्केलर है देख लीजिए, स्केलर का नंबर क्या है आप अच्छा से देख लीजिए, स्केलर का क्या नंबर है देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है दोस्तों, VP32H148A00-02, ठीक है, ये स्केलर का नंबर है। और इधर भी एक स्केलर का नंबर है, अब देखिए इधर भी देखिए, देखिए CV320PW03S, ये कौन सा कंपनी का स्केलर है वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा स्केलर का क्या है इसका अंदर देखिए, पूरा डिटेल सब देख लीजिए। सबसे पहले इधर देखिए, इस साइड में एक कॉफ लगा हुआ है 1 2 3, और इधर देखो 4, 4 कॉफ लगा हुआ है। तो इसका स्केलर में ज्यादा पार्ट्स नहीं है, देखिए इसमें ये जो लगा हुआ है हमारा तिकोन प्रोसेसर है, आप इसको नंबर देख लीजिए तिकोन प्रोसेसर, ठीक है। और इधर जो लगा हुआ है अब देखिए, इधर देखिए एक 8 पिन का आईसी लगा हुआ है, और इधर देखिए एक छोटा आईसी है, एक डीसी आईसी है। तो मोस्टली इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, स्किप मत करिए, मैं पहली बताया ऐसा वीडियो आप यूट्यूब में देखा नहीं। तो देखिए इसमें एक्चुअल ये डीसी सेक्शन कैसे वर्क करेगा, मैं आपको मीटर से प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, स्क्रीन पर आप पूरा डिटेल्स देखते रहिए। और इधर दिखाया देखिए, ये जो हमारा है ना ये TL431 है, एक गामा सेक्शन में काम, गामा वोल्टेज यहां से जनरेट करेगा, ठीक है। तो डीसी वॉक इसमें कैसे काम करेगा आप देखिए, ये मोस्टली इंटरेस्टिंग है। इसको मैं स्विच ऑन किया है, स्टैंड बाय रिलीज करूंगा, स्टैंड बाय रिलीज किया, स्टैंड बाय रिलीज हुआ देखिए, हाँ स्टैंड बाय रिलीज हो गया, देखिए यहां पर लाइट आ गया ना, आप समझ गया। तो इसको मैं वोल्टेज चेक करूंगा, सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या वोल्टेज है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकता है दोस्तों, और
आप पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने के मिलेंगे, नया कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आप सीखेंगे। देखिए एम आई मीटर यहाँ पर रखा, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 12 वोल्ट है ना, 12 वोल्ट प्रेजेंट है, समझ आ रहा है दोस्तों, 12 वोल्ट प्रेजेंट है। तो ये 12 वोल्ट सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे, देखिए ये 12 वोल्ट सबसे पहले कहाँ पर जा रहा है आप देखो अच्छा से। ये जो हमारा आईसी है, थोड़ा सा लाइट लगाइए, फेड हो गया। हाँ यहाँ पर इनपुट होगा, ये पीको फ्यूज है, ऊपर से मारिए, इधर से 12 वोल्ट आ रहा है। अब देखिए लाइट को थोड़ा सा हटाइए, मीटर में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ उधर से देखाइए, यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर इनपुट हो रहा है ये 12 वोल्ट, ठीक है, इस आईसी के अंदर इनपुट हो रहा है। आपको थोड़ा सा इधर लेके जाइए, हाँ सबसे क्लियर होगा ना, नहीं तो दिक्कत होगा। और ये जो कॉइल है यहाँ से अब देखिए 3.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, देखो ये 3.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, ये 3.3 वोल्ट कहां से जा रहा है अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए ये 3.3 वोल्ट यहां से जनरेट हो गया, सॉरी यहां पर 3.3 वोल्ट जनरेट हो गया। इसको लाइट थोड़ा सा मीटर में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, लाइट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको थोड़ा सा जी हाँ ठीक है, ये 3.3 वोल्ट यहाँ से जनरेट हो गया। उसका बाद देखो ये जो आईसी है, ये आईसी का अंदर इस कॉइल का थ्रो यहाँ पर इनपुट हो रहा है, देखिए 3.3 वोल्ट है, इस कॉइल में यहाँ पर इनपुट हो गया, और नहीं सॉरी ये कॉइल और डायोड, ये एबीडीडी डायोड है, एबीडीडी डायोड का यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट, और इधर क्या है देखिए, ये हमारा एबीडीडी वोल्टेज, यह पर क्या हुआ अच्छा से क्लियर सुन लीजिए दोस्तों, 12 वोल्ट इनपुट होगा, 12 वोल्ट इनपुट होने का बाद ये आईसी 3.3 वोल्ट इनपुट आउटपुट करेगा, वो 3.3 वोल्ट से स्विचिंग करके एबीडीडी वोल्टेज जनरेट हो रहा है। देखो ऐसा कोई स्केलर में आप देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं देखूंगा आपका कमांड, पूरा आज का वीडियो का पूरा कमांड मैं रीड करूंगा दोस्तों। तो ये हमारा कॉयल और डायोड एबीडीडी स्विचिंग का होता है, तो यहाँ पर एबीडीडी लिखा है, एबीडीडी वोल्टेज जनरेट हो गया। आप सोचेंगे सर ऐसे क्या क्यों होता है, वो सब डिटेल्स बताऊंगा। तो देखिए और ये जो 3.3 वोल्ट यहाँ पर भी इनपुट होगा, इस आईसी का अंदर कोई 12 वोल्ट इनपुट नहीं होगा, सोचिए इस आईसी का अंदर 12 वोल्ट इनपुट नहीं होगा, समझ गया। तो यहां से देखिए एबीडीडी वोल्टेज तो जनरेट हो गया, उसका बाद देखिए यहां पर वीजीएल वोल्टेज, वीजीएल वोल्टेज तो परफेक्ट जनरेट हो रहा है, देखा परफेक्ट है, और वीजीएच वोल्टेज कहां पर है देखिए, ये दोनों एसएमडी डायोड है, यहां पर वीजीएच वोल्टेज हम मिलेंगे, देखिए 30 वोल्टेज, ये वीजीएच वोल्टेज जनरेट, सॉरी इधर थोड़ा सा गैप कर दीजिए, हाँ ये वीजीएच वोल्टेज जनरेट होने का बाद क्या होगा, इस आईसी का अंदर इनपुट हो जाएगा, देखिए वीजीएच वोल्टेज इस आईसी का अंदर यहाँ से जनरेट हुआ, ये दोनों एसएमडी बूस्ट अप करके जनरेट किया है, यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ पर आया है, इस आईसी का अंदर इनपुट हो गया, उसका बाद यहाँ से देखो ये वीजीएच एम करके आउटपुट हो रहा है, वीजीएच एम में देखिए कुछ वोल्टेज नहीं है, है ना, देखिए वीजीएच एम में कुछ वोल्टेज नहीं है, अब देखो ये रजिस्टर से यह से आउटपुट हो रहा है, ये पॉइंट हमारा वीजीएच एम है, मैं आपको जूमिंग करके दिखाऊंगा, उसका बाद आप देखेंगे, ये हमारा क्या है वीआरसी, वीकॉम को वेरिएबल करने के लिए पीसेट है, यह पर वीकॉम भी है, देखो वीकॉम वोल्टेज जनरेट हो रहा है, वीकॉम वोल्टेज जनरेट हो रहा है ना दोस्तों, देखिए ये वोल्टेज हम वैरी करेंगे, सॉरी ये पीसेट हम वैरी करेंगे तो वोल्टेज वीकॉम वोल्टेज हमारा वैरी होगा, ठीक है। और देखिए इसका बारे दिखाऊंगा, ये तो हमारा जो फॉल्ट हो रहा है वीजीएच में वोल्टेज है और वीजीएच एम में वोल्टेज नहीं है,
आप समझ गया दोस्तों जी, ये सर क्या, इसको ओपन करके यहाँ पर भिजी से डायरेक्ट कर दूंगा, पिक्चर आ जाएगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा, आप देखते रहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1.8 वोल्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, आप देखो, देखिए 1.8 वोल्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, अब अच्छा से देखो। ये जो हमारा एक रेगुलेटर है इसका अंदर 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है ना, और इधर से देखो 1.8 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। ये 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर है और ये हमारा तिकोन प्रोसेसर है, वो तो आप जानता है। और पहली तो मैं बताया ये हमारा क्या TL431 है, इसको सॉरी 2.4 ग्राउंड है, ये हमारा यहाँ से वोल्टेज रेगुलेट किया है। TL431 का जो काम है ये, तो ये दो नंबर पिन जो है ये ग्राउंड होता है, ठीक है वो छोड़ दीजिए। तो इधर आइए, तो इधर क्या करूँ मैं, आप जो देखिए मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखाता हूँ। देखिए ना यहाँ पर VGH लिखा है ना, अब देखो VGH लिखा है, इधर देखिए VGHM भी लिखा है, अब देखो इधर देखो यहाँ पर VGHM लिखा है ना, और इधर VGL लिखा है, अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए इसमें मैं क्या करूँ, अब देखिए कैसे इसको मैं रेडी करूँगा। अब देखिए पहले इसको स्विच ऑन कर रहा हूँ, आपको तो दिमाग में आ गया जो ये वोल्टेज यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है आपको हिसाब से मैं जाऊँगा। उसको मैं स्विच ऑफ कर दिया, ये जो पॉइंट है VGHM का रजिस्टर है इसको मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है चलिए प्रैक्टिकली देखाऊंगा, आप देखते रहिए दोस्तों। अरे तो उसको यहाँ पर लगा रखेंगे तो रहेगा, नहीं तो वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं देखो एक वायर का हेल्प लूंगा, देखिए एक वायर है ना, इसको मैं सबसे पहले इसी पॉइंट में जहाँ पर VGHM है नहीं लगाया, सोल्डरिंग नहीं हो रहा है, देखिए सोल्डरिंग हो गया ना दोस्तों, देखिए VGH में सोल्डरिंग हो गया। इसका बाद VGH और VGHM का डिफरेंस क्या है, देखिए दोस्तों ये 10 मिनट और 15 मिनट का वीडियो है, इसमें सब कुछ कैसे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं VGH में कनेक्ट कर दिया, देखिए कनेक्ट किया है ना, तो आप बताएंगे सर रेडी हो जाएगा, ठीक है मैं स्विच ऑन किया है, इसको भी वोल्टेज चेक करूंगा, आप देखते रहिए। देखिए मीटर को देखते रहिए, थोड़ा सा जूमिंग हटाना पड़ेगा नहीं तो डिस्टरबेंस होगा, पूरा नहीं देख पाएंगे, ठीक है। देखिए इधर लगा दिया, स्विच ऑन किया, स्टैंड बाय रिलीज करूंगा, देखिए स्टैंड पर रिलीज करूंगा तो पावर लाइट आ जाएगा, धीरे धीरे पावर लाइट आएगा ना, आया है, देखिए बैक लाइट ऑन हो गया। यहाँ पर एवरीडी वोल्टेज सॉरी ए VGH का यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज पूरा एवरीडी भी ड्रॉप हो गया, अरे इंटरेस्टिंग फॉल्ट है दोस्तों, VGL भी ड्रॉप हो गया, कोई भी शॉर्ट भी हो सकता है। हाँ देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट है, अब देखिए लेकिन बूस्ट अप नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है, इसको मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्कनेक्ट करूँगा, देखिए डिस्कनेक्ट किया है और ये वायर को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं स्विच ऑन करके देखूँगा क्या सिम्टम हो रहा है। दोस्तों वीडियो स्किप मत करिए, देखिए मेरा भी इंटरेस्ट आ गया, देखिए स्विच ऑन करूँगा, देखिए स्टैंड बाई रिलीज करना पड़ेगा, सॉरी स्टैंड बाई रिलीज हुआ, आप देखिए
स्टैंड में रिलीज हो गया। इधर देखो, देखिए क्या हो रहा था, वोल्टेज वीजीएच को डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट किया तो पूरा वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जा रहा था, ऐसा हो रहा था ना। तो कोई भी शॉर्टेज है, लेकिन शॉर्टेज मैं चेक करूंगा, स्विच ऑन कर रहा हूं। अभी देखिए वीजीएल वोल्टेज भी जनरेट हो गया, वीजीएच भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी जो वीजीएच है, ये जो ये वोल्टेज यहाँ पर जा रहा है, इनपुट हो रहा है, लेकिन वीजीएच एम में यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट है, जो वीजी सॉरी जो पॉइंट था, मैं ये तो रजिस्टर ओपन कर दिया, यहाँ पर देखिए रजिस्टर के इधर देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट है, लेकिन 12 वोल्ट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तो 28, 26, 24 वोल्टेज होना चाहिए, तो 12 वोल्ट प्रेजेंट आ रहा है। तो एक्चुअल इसको स्विच ऑन कर रहा हूँ ओम्स में, मीटर को मैं चेक करूँगा। देखिए VGL और हमारा VGHM पॉइंट यहाँ पर है ना, VGHM पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा VGL है, कितने ओम्स दिख रहा है देखिए, 22 किलो ओम्स हो रहा है ना, हो रहा है दोस्तों, शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इतना नहीं होगा, ये मेगा ओम्स में रीड देंगे, ज़्यादातर हाई ओम्स में रीड होगा, थोड़ा 23 किलो ओम्स दिख रहा है। ठीक है, मीटर पट को मैं चेंज कर रहा हूँ, उसका बाद क्या देखूंगा, देखिए यहाँ पर देखो हमारा VGHM और ये हमारा VGL है, देखिए यहाँ पर भी 53 किलो ओम्स शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी होगा तो ये जो VGL और VGHM ए गेट कॉप का अंदर जाएंगे, इसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, कॉप भी खराब हो सकता है, लेकिन पूरा पैनल ओपन करने का बाद ही समझ पाऊंगा। वीडियो बहुत लॉन्ग टाइम हो जाएगा दोस्तों, आप मैं इसको पार्ट ए पार्ट वन होगा, नेक्स्ट मैं पार्ट टू करके आपको दिखाऊंगा, एक साथ सब करूंगा तो लॉन्ग टाइम रन करेगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट वन पार्ट टू में इसका फाइंडिंग तो देखेंगे फॉल्ट कैसे सॉल्व होगा। फॉल्ट तो फाइंडिंग हो गया, लेकिन उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, फॉल्ट फाइंडिंग हो गया, फॉल्ट कहां पर है, ठीक है, उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, कैसे उसको सॉल्व करूंगा, वो प्रॉब्लम तो देखा है। तो दोस्तों आपका वीडियो पसंद हुआ तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आपका तरफ जैसा टेक्नीशियन है उसी के साथ शेयर करिए, ये नॉलेज वो आप भी अचीव करेंगे, आपका फ्रेंड भी अचीव करेंगे, और ऐसा काम आप खुद अचीव करना चाहता है, सीखना चाहता है, आपका स्किल डेवलप करना चाहता है, तो मेरा जो अपडेट प्रोग्राम है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है, उसी प्रोग्राम में आप अटेंड कर सकते हैं, प्रोग्राम का शेड्यूल स्क्रीन पर पूरा आ जाएगा, आप देख लीजिए, आपका टाइम मिलेगा तो आप मेरा जो नंबर है इस नंबर में कॉन्टैक्ट करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में वेट करिए, मैं पार्ट टू करके तुरंत बनाऊंगा। ओके, all the best.